तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि साजिश कितनी बड़ी थी। कई राज्यों में आतंक का ये नेटवर्क फैला हुआ था, लगातार रेकी की जा रही थी, आतंकी स्लीपर सेल को सौंपा गया था टारगेट चुनने का जिम्मा। प्रयागराज में बड़ी मात्रा में विस्फोटक हथियार, गोला बारूद और आरडीएक्स भी इकट्ठा कर लिया गया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में ये धूल झोंकने में कामयाब नहीं हो पाए। आतंक की साजिश का सुराग मिलते ही केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। एक एक कर अंडरवर्ल्ड और आतंक की साजिश की परतें खुलने लगी। टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर के जरिए इस मॉड्यूल की जानकारी सामने आने लगी। पता चला कि आतंक का ये नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के बाद यूपी एटीएस ने प्रयागराज से बड़ी मात्रा में विस्फोटक हथियार, गोला बारूद और आरडीएक्स लगी आईईडी को जब्त किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी एटीएस ने लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली में छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आतंक की इस प्लानिंग को करने के लिए आईएसआई ने नया तरीका चुना है। पुलिस के दावों के मुताबिक आईएसआई ने दो टीमें बनाई हैं। पहली टीम का कोऑर्डिनेशन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीश इब्राहिम कर रहा है। इस टीम को भारत में हथियार और विस्फोटक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अंडरवर्ल्ड से हवाले के जरिए आतंकी फंडिंग की व्यवस्था की गई है। भारत में मौजूद आतंक के स्लीपर सेल्स को देश में आतंक के टारगेट चुनने थे। अनीश की जिम्मेदारी थी कि वो इन सभी को इंडिया के अलग अलग शहरों में पहुंचाए और जो तमाम जो हथियार हैं वो पहुंचाए, और इसके बाद आगे की ये कार्रवाई थी कि किस तरीके से आईएसआई टारगेट करता, टारगेट चूज करता और उसके बाद ये टारगेट इनको दिए जाते। दिल्ली पुलिस को आईएसआई के इस नए मॉड्यूल की शुरुआती जानकारी केंद्रीय एजेंसियों से मिली। सबसे पहले राजस्थान के कोटा की ट्रेन में मुंबई से आ रहे जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया को गिरफ्तार किया गया। वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके बाद दिल्ली का ओसामा, सुल्तानपुर का मूलचंद उर्फ लाला, प्रयागराज का जिशान कमर, बहराइच का मोहम्मद अबू बकर, लखनऊ का आमिर जावेद गिरफ्तार हुआ। दो गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई और तीन गिरफ्तारियां यूपी एटीएस की मदद से यूपी में की गई। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। आतंक के इस नए मॉड्यूल का मकसद त्योहारों, खासकर नवरात्रि और रामलीला में बम धमाके करने का था। इनके पास से बड़ी तादाद में विस्फोटक, फायर आर्म्स और आईईडी मिली है जिसमें आरडीएक्स लगी है। इनके आतंक का प्लान मल्टी सेंट्रिक था, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इनके खास निशाने पर थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये दो आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना, जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। दिल्ली पुलिस ने अपने खुलासों में ये दावा किया है कि जिन दो संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है, उनके साथ ट्रेनिंग पाने वालों में 14 से 15 बांग्ला बोलने वाले संदिग्ध आतंकी भी थे। आईएसआई की इस नई प्लानिंग को लेकर अभी और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती खुलासे बेहद गंभीर और अलर्ट करने वाले हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।